नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएम पीएम टाइम्स। साथियों, इस वक्त मैं अयोध्या स्थित लता मंगेशकर चौक पर उपस्थित हूं। राम नगरी अयोध्या में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर निर्मित इस चौक का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 सितंबर 2022 को किया था। तब योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा था कि लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान श्री राम की भक्ति को समर्पित किया था, इसलिए भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में लता जी को समर्पित भव्य लता मंगेशकर चौक का निर्माण कराया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं, उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। याद हो कि इस चौक के निर्माण के लिए सरयू नदी के तट पर स्थित नया घाट क्षेत्र को 7.9 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस चौक में 14 टन वजनी और 40 फीट लंबी वीणा को प्रतिस्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले मूर्तिकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राम सुतार ने इस आकर्षक वीणा को निर्मित किया है। इस वीणा में कमल के पुष्प पर मां सरस्वती का चित्र उकेरा गया है। यह कार्य 2 महीने में पूरा हुआ था। यह देश का ऐसा पहला स्थल है जहां अमर सुरीली आवाज को शहर से संलग्न करने के लिए इतनी विशाल संगीत वाद्य यंत्र प्रतिकृति स्थापित की गई है। इसे विश्व की उत्कृष्ट कृति के स्वरूप में भी प्रतिस्थापित करने की कोशिश की गई है। यह सर्वविदित है कि लता मंगेशकर ने अपने 92 वर्षों के जीवन काल में अनेक अमर गीत और भजन गाए हैं, उसे दर्शाने और श्रद्धांजलि स्वरूप इस चौक के मध्य भाग में 92 कमल दल भी लगाए गए हैं, जो अत्यंत मनमोहक हैं। यहाँ सुबह से लेकर रात तक लता मंगेशकर द्वारा गाए गए अमर सुरीले भजन और राम धुन को बजाया जाता है। इसके लिए यहाँ अत्याधुनिक साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। शाम ढलते ही यह चौक रंग बिरंगी रोशनी से प्रकाशमान हो जाता है। अयोध्या विकास प्राधिकरण और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सौजन्य से ये सभी कार्य पूर्ण हुए हैं। अयोध्या नगर निगम का भी इसमें सहयोग है। यहाँ 3 सुरक्षा कर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। स्मारक स्वरूप वाला यह चौराहा पर्यटकों और संगीत प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। लता मंगेशकर चौक अब सेल्फी पॉइंट के रूप में भी विख्यात हो चुका है।